हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, रात बहुत हो चुकी है लेकिन मेरे साथ दो इतने खास मेहमान हैं कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा इन दोनों को कवर करें आज, क्योंकि ये सिक्स्थ IBF मेंस नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है चेन्नई में, उत्तराखंड के ही दोनों। और एक और जहाँ शिवम, पहले मैं दिख शिवम के पास लेके जा रहा हूँ, शिवम सिंह नेगी। शिवम कैसे हेलो सर। हो? बढ़िया सर, बढ़िया। तो ये है शिवम सिंह नेगी, इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है, बहुत कुछ है, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से वो निकलवाएंगे बाहर कि क्या क्या है इनमें। दूसरी तरफ है मेरे साथ उभरते हुए खिलाड़ी साहिल। साहिल कैसे हो? सर बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छे हो। यस सर, तो पहले साहिल से ही शुरुआत करते हैं। साहिल, यस आज का मैच, पहला मैच उड़ीसा के अगेंस्ट है ना? यस पहले सर, अगर बात करें, पिछले 2-3 सालों से कोशिश हो रही थी कि कुछ खास कर जाए, और मुझे लग रहा है कि नेशनल में आपके गोल्स नहीं थे अभी तक, नो सर, बिल्कुल नो। और आज गोल किए तो यार हैट्रिक, यस सर, तो कैसा कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है। शुरू शुरू में लग रहा था कि अरे यार गोली नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, तो हाँ एक ही बार गुच्छे में लग गए और हाँ फर्स्ट हैट्रिक भी थी और फर्स्ट टाइम मैंने स्कोर भी किया और टूर्नामेंट का भी फर्स्ट हैट्रिक था। मतलब ये तो वो हो गया कि आम खाने की इच्छा में और अंगूर खा गए पूरे, है ना, गुच्छों में खा गए। जहाँ उड़ीसा, जब आप खेल रहे थे, आपके दिमाग में क्या था, मतलब कि उड़ीसा के अगेंस्ट, क्योंकि उड़ीसा में भी सामरा है, आशीष है, और उसके बाद में आपको क्या लग रहा था उनके साथ खेलते हुए? सर यही लग रहा था कि अगर हम बॉल, वो लोग आसानी से तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि समरा जो है वो कैंप में भी था हमारे साथ और मतलब उनको नॉलेज है गेम की कि बिल्कुल। वो लोग बॉल की तरफ अप्रोच पक्का करेंगे, इसीलिए हमें स्किल वाइज भी जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपकी टीम में अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड, उत्साह उत्तराखंड टीम की बात करूं, तो उसमें आपके साथ एक और जहां इतने अनुभवी सुवेंद्र खेलते हैं, सुवेंद्र सिंह जो कि कप्तान भी हैं आपके, और दूसरी तरफ आपके ही साथ जो बैठे हुए हैं शिवम सिंह नेगी, अभी एक तरह से इंटरनेशनल सेंसेशन है इंडिया की तरफ से, तो कैसा लगता है जब सुवेंद्र की कप्तानी में खेलते हो, क्योंकि उनके साथ आप दून में, देहरादून में भी काफी प्रैक्टिस करते हो और उसका नेशनल में। सर काफी फ्री फील होता है कि हमें पीछे का कोई वो नहीं रहता कि डिफेंड में हमें कोई चिंता करने की वो बात है, बस हमें अपने फ्रीली जो हमारा काम है अटैकिंग करना और बॉल फीड करना, वो हम आसानी से फ्रीली कर पाते हैं, इसी वजह से आई थिंक हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। क्या और बात बाकी ये भी रहता है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी है। हाँ, तो वो लोग हमें गाइड करेंगे। क्या बात है। दूसरा, जहां आप एक और बात कर रहे हैं, सुवेंद्र जो कि एक्सपीरियंस है, उनके साथ में खेल रहे हो, आपका गेम खुद का बहुत अच्छा है, जादूगर कहते हैं आपको, छोटा जादूगर, ड्रिबलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा ड्रिबल आप करते हैं, बॉल कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज की गेम की बात करूं तो आपके पैर से उतनी पावर जनरेट नहीं हो रही थी आज, जो कि मैं देखता हूं अक्सर, जो मुझे देखना पसंद भी है और देखता भी हूं, तो क्या अगले मैच में हम या आने वाले मैचेस में वो चीज देखेंगे? बिल्कुल सर, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और जो आज पावर में कमी थी वो अगले मैच में पूरी करूंगा। क्या बात है। तो साहिल, इससे पहले कि मैं शिवम से बात करूं, फिर दोबारा वापस आपके पास आऊं, क्या लगता है आपको इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल जर्सी, जो एक इंडिया की जर्सी होती है, वो उसको लेके आपका क्या कहना है? सर यही कहना है कि दो बार मैं पहनते पहनते रह गया पर हाँ, इस बार तो छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं, है ना, और वो आपको सिर्फ गेम ही दिला सकती यस है। सर, तो ये थे साहिल, छोटे कद के जरूर हैं लेकिन पटाखा हैं पूरे, और मैं कहूंगा बम है। वापस आता हूँ शिवम के पास। शिवम, यस आप काफी पॉपुलर हैं, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी है, सर, इवन देहरादून में हो, चाहे बाकी जगह हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो और आप स्टाइलिश प्लेयर के रूप में आप जाने जाते हैं, और कैसा लगता है जब डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल, यानी कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? सर गेम का लेवल बढ़ जाता है। अभी बहुत सारी टीम ऐसे अभी सीख रहे हैं, तो वहां सब ऐसे आते हैं कि जो सब एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छा तो फर्क तो बहुत बड़ा दिखता है। बिल्कुल। वहां पे हम सीख रहे होते हैं उनसे। हाँ, तो शिवम आप इंडिया की तरफ से भी काफी अच्छा कर रहे हो, अभी मैं पीछे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ है आपके नाम, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे वर्ल्ड ग्रांड प्री से आप लौटे और दूसरे बार डोमेस्टिक लेवल में, मैंने आपको, मैं प्रोफेसर डी कहता था, और क्योंकि वो उससे था तो वो मैं वापस लेता हूँ, प्रोफेसर डी से आपका एक तरह से। तो आज जिस तरह से आप गेम खेले, लेकिन आपके अंदर का, आपने भी हैट्रिक किया आज, तो एक तरफ नया उभरता खिलाड़ी जो कि आपका प्रैक्टिस पार्टनर भी है साहिल की हैट्रिक, दूसरी तरफ आपकी हैट्रिक, तो कैसा लगा आपको?
बहुत सारा सर मतलब चाह रहा था फाइल और गोल मारे, और मेरे ही नहीं था कि मैं मारू हैट्रिक वगैरह, वो तो हो गए तो अच्छी बात है, कल और मारेंगे। क्या बात है। सविंद्र आपका कप्तान भी है और आप खुद टीम के वाइस कैप्टन हैं, सर तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कंधों पे, तब गेम में क्या आपको क्या देखना पड़ता है और आपकी टीम किस तरह से आप खिलाते हैं? एक तरफ सुविंदर जैसे सीनियर खिलाड़ी है ना, यस एक्सपीरियंस सर खिलाड़ी आपके साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ यंगस्टर्स डेब्यूटेंट भी, तो कैसा लगता है? अच्छा, सबको साथ में लेके चलना होता है, ये ध्यान रखना होता है हमें कि सबको खिला के चलना है। हमें पता है उनका कौन कौन कैसे खेलता है, जो जिसमें अच्छा उससे वही चीज करवाने की कोशिश करते हैं। आज गोल मारे सबने, गोल मारे हमने चारों ने जो इधर बिल्कुल खेल रहे थे, तो ये बस उसी की वजह से है। सबको मौके दिए, जहां पे उन्हें चाहिए था वहां पे उन्होंने स्कोर भी किया फिर। बिल्कुल। अब बात करें अगर देहरादून की, तो उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन अभी एक तरह से बहुत अच्छा साथ दे रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, आपकी क्या उम्मीदें हैं एसोसिएशन को लेके? अभी सर अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, उम्मीद आगे भी यही चलता रहे और अच्छा हो। अभी तो हमें अपने भी और भी टूर्नामेंट्स कराने हैं, नॉर्थ फुटबॉल को बढ़ाना है, तो इसमें उपचार का साथ चाहिए होगा हमें काफी। बिल्कुल, और उसका साथ दे भी रही है अभी, यस तो सर ये हैं शिवम जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ साहिल, आप जी एक सर एसोसिएशन से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप उभरते हुए खिलाड़ी हैं और आपके उत्तराखंड की एसोसिएशन अभी बहुत अच्छा कर रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं और आगे? सर हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपना सपोर्ट बरकरार रखे। अभी हम उभरते हुए खिलाड़ी हैं और भी उभरेंगे, मैं तो ये कहूंगा, और एसोसिएशन को उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है क्या ताकि बात खिलाड़ी उभरते रहें, है। वो विलुप्त ना हो, सीधा उभरते ही रहें और चमकते रहें। साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से सीओम की फैन फॉलोइंग है, आपको ऐसा लगता हो कि यार आपकी भी फैन फॉलोइंग आने वाले टाइम में ऐसी हो सकती है, या थोड़ी जलन सी होती है अपने साथी से, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं है? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुझे फॉलो करे ना करे, बस बॉल मुझे फॉलो करती रहे वही बहुत है। क्या बात है। साहिल, आपको आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आने वाले इस नेशनल के आने वाले मैचेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज की हैट्रिक के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो ये थे साहिल, वापस सियोम के पास आता हूँ, यस सर और सियोम यस आपकी सर फैन फॉलोइंग की अगर बात करें, और उसके बाद में जिस तरह से आप करते हैं, आप टेक्निकली भी बहुत साउंड हैं, ये शायद कम लोगों को पता होगा लेकिन मुझे पता है, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी है, आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ये कहीं से सीखते हैं या फिर कैसे? सर सीख ही रहे हैं जगह जगह देख के, बाकी जो अभी तक के किसी भी गेम में जो लेजेंड्स हैं उन्हें फॉलो देख देख के ही सीखा हमने भी कैसे कैसे वो सब करते हैं और क्यों उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा। क्या बात है। तो शिवम, हम चाहेंगे कि आपकी फैन फॉलोइंग यूं ही बढ़ती रहे, और आपके लक, चाहे लोग कहते हैं ना कि मतलब लक और लकी होते हैं, किसी का लेडी लक होता है, किसी का जो बॉय लक है, किसी का कुछ है, किसी का फैमिली लक है, तो आपके जो भी लक हैं वो यूं ही चलते रहें यस और सर आप आने वाले टाइम में और भी अच्छा करें। थैंक यू सो सर फिलहाल आपको आज की हैट्रिक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले मैचेस के लिए, नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एक तरफ स्टाइलिश प्लेयर शिवम सिंह नेगी, व्हाइट में आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्लेयर है शिवम सिंह नेगी, और दूसरी तरफ है साहिल, एक उभरते हुए खिलाड़ी येलो में। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और सर बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सभी थैंक यू को। सर।